That's saying my second year MBBS student at AIIMS New Delhi and this another video on my YouTube channel guys. अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो यार तो आपको कुछ नहीं जा रहा है, सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करो यार। जैसे आपकी कोई तारीफ करता है तो आपको अच्छा लगता है ना, कोई सब्सक्राइब करता है या पॉजिटिव कमेंट करता है या फिर थम्स अप देता है ना यार, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मतलब और अच्छा रिच कंटेंट बनाने का मन करता है यार। तो डू प्रमोट माई चैनल यार, शेयर कर दो इस चैनल के बारे में। एंड गाइस आप मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई क्वेरी पूछना है ना, इंस्टाग्राम पे मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे मेरे को फॉलो कर लो। वीडियो की लिंक जो है ना वो इंस्टाग्राम की स्टोरी पे आप अपनी शेयर करो, ठीक, और मेरे को टैग कर दिए, वीडियो का स्क्रीनशॉट वहाँ पे शेयर करके स्टोरी में मेरे को टैग कर दो, और फिर टैग करने के बाद मैं आपको रिप्लाई करूँगा आपके क्वेरीज को, ठीक है गाई। आप मेरे कोरा पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो गाई, कोरा पे मैंने 115 से ज़्यादा आंसर लिख चुका हूँ अभी तक, जाके पढ़ो, बहुत अच्छा रिच कंटेंट मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है वहाँ पे कोरा पे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का मैंने आंसर किया। तो गाई इस वीडियो में हाईली डिमांडेड वीडियो थी, सॉरी थोड़ा लेट हो गया, पर अब शुरू करते हैं वीडियो। कैसे आप एफिशिएंटली स्टडी कर सको लॉन्ग ड्यूरेशन तक, हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स एफिशिएंटली गाई। पढ़ते तो कई लोग हैं, मतलब 12-12, 13-13 घंटे पढ़ लेते पर एफिशिएंटली नहीं पढ़ पाते। तो कैसे आप एफिशिएंटली चीज़ें पढ़ सकते हो? तो गाइस सबसे पहले बिगिन करने में मैं ये पहला पॉइंट रखूँगा कि देखो दो टाइप के बंदे होते हैं यार, एक फोकस होते हैं, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। फोकस बंदे वो होते हैं ना यार, बाहर भूकंप सुनामी कुछ भी आए ना उनको पढ़ना होता है, ठीक है, उनका ना माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होता है। तो देख भाई सब इस टाइप के नहीं होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं यार, आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं बहुत नेचुरल सी बात है। तो जो फोकस बंदे ना यार वो कर लेंगे, उनके पास अभी प्लान होगा, वो वीडियो भले ही एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो या कुछ और गेन करने के लिए, वो अपने आप कर लेंगे। तो मैं इस वीडियो में डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, भले आप 11th में हो, 12th में हो, कोई भी आप जेई मेन, नीट, एम्स, जिपमर कोई भी पेपर के लिए अपेयर कर रहे हो और आपको कैसे पढ़ाई करना है, स्टडी या एक्सपैंड करना है अपना, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखो। तो जो डिस्ट्रैक्टेड बंदे होते हैं ना यार, उनके लिए प्रॉब्लम क्या होती है ना, अगर फ़ोन बज जाए, उनका मैसेज पिंग कर जाए, पॉपअप कोई मैसेज आ जाए, फेसबुक नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन, कुछ भी आ जाए, तो उनको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, उनकी पढ़ाई तो फिर चौपट उस दिन की। और या फिर यार क्रश के मैसेज आ जाए या फिर यू नो गर्लफ्रेंड को कॉल आ जाए, तो यू कैन नॉट अवॉइड इट, राइट। तो ऐसे जो बंदे होते हैं ना यार, वो उनको क्या होता है ना, शाम को सबसे ज़्यादा वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि शाम को बहुत ज़्यादा हलचल होती है, ठीक है, कहीं तो बाइक मिल गई है तो लेके निकल गए, गाड़ी मिल गई लेके गेड़ी मारने निकल गए, घूमने फिरने निकल गए, तो या फिर शॉपिंग मॉल वॉल चले जाते हैं, कहीं बाहर बाहर खाने चाट वाट खाने निकल जाते हैं। तो यार इसको अगर आपको कट डाउन करना है ना, तो आप क्या करो, आप पहले सबसे पहले बिलीव करना शुरू करो यार डिस्ट्रैक्शन की वजह से। आई नो आपको कॉन्फिडेंस कम हो जा रहा है कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, पर आपको बिलीव करना पड़ेगा अपने आप में, अपने रेडिकली आपने अपने माइंड को चेंज करना पड़ेगा, तब भी आप एक स्टार्ट ले पाओगे। स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना यार, अभी तक नहीं स्टार्ट किया तो स्टार्ट तो करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए तो पहले माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। तो रेडिकली बिलीव करना शुरू करो, बिलीव इन योरसेल्फ कि आप 15 घंटे पढ़ सकते हो यार, अगर मैं पढ़ सकता हूँ और बाकी बंदे पढ़ सकते हो ऑल ओवर इंडिया और अच्छा रैंक सिक्योर कर सकते हो यार, तो सोचो ना, गारंटी तो है, मतलब इतना घंटे पढ़ोगे तो मतलब रैंक तो कुछ सिक्योर है, समझ रहे। देखो पढ़ने में भी बहुत चीज़ें आती हैं, एफिशिएंटली पढ़ो, पर पहले पढ़ना तो शुरू करो, पढ़ोगे नहीं तो फिर कहाँ से रैंक आएगी, राइट। दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट था बिलीव इन योरसेल्फ, दूसरा पॉइंट है गाइस मैं बोलूँगा पढ़ाई के लिए एनर्जी चाहिए होती है ना, वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? देखो खाना तो ठीक है, पर आपको 6 घंटे की स्लीप ज़रूरी है, तभी आपका माइंड रिजुविनेटेड रहेगा, फ्रेश फील करेगा, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, नहीं तो वरना क्या होगा ना यार, झोंके आते रहेंगे, नींद आएगी, ऐसे टेबल पे के लोग सो जाते हैं या फिर दिन में दोपहर में सोने लग जाते हैं, क्योंकि रात को तो नींद पूरी नहीं होती, और 6 घंटे से कम सोओगे तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने अटेंशन और लर्निंग एबिलिटी से था, क्योंकि कॉग्निटिव एबिलिटी जो होती है ना वो सप्रेस हो जाती है। सो 6 hours ऑफ स्लीप नेसेसरी यार, इतना तो सो लो 6 से 7 घंटे ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको सुबह। अब यार सो ली, अब सुबह की स्टार्ट करते हैं गाइस। सोने से पहले मैं बोलूँगा थर्ड पॉइंट है प्लान द डे। अभी तक मैंने सभी वीडियोज में से बोला है यार प्लान कर लो प्लान कर लो, पर मैंने कभी बताया नहीं कैसे प्लान करना है। तो गाइस मैं बोलूँगा ऐसी कोई डायरी, ये देखो कोई सिंपल सी डायरी, कोई भी सस्ती डायरी कोई भी ले लो, ऐसी ले लो, मतलब एनी डायरी, उस पर आपको करना क्या है ना यार, 30 मिनट आपको निकालने सोने से पहले, पहले 15 मिनट आपको चेकलिस्ट बनाना है कि आपने दिन भर में क्या क्या किया, ठीक है, आपको नोट डाउन करना है, ठीक, कौन कौन से क्वेश्चन लगाए, कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ी, किस चैप्टर को पढ़ा, कितने पेपर अटेम्प्ट किए हैं, कितना स्कोर आया, ये सब कर लो, ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट 15 मिनट में ना यार
आप पहले 15 मिनट रिकॉल करके आप क्या किए वो कर ली, नेक्स्ट 15 मिनट में यार आपको क्या करना है, आपका सिलेबस जितना बना बचा है ना उसके हिसाब से आपको प्लान करना होगा कि अगले दिन क्या पढ़ना है। उसमें आपका क्या आएगा, चेकबॉक्स सिस्टम, तो उसमें आपको चेकबॉक्स बना लेना है, ठीक है, हाँ, और उसको टिक करना है, ठीक, लिख लो कौन सी थ्योरी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने अगले दिन, प्लान कर लो, ताकि तभी आप सुबह ना यार आपका दिमाग ना ऐसे वेवर नहीं करेगा कि किससे शुरुआत करनी है, तो एक अच्छी स्टार्ट होगी ना दिन की यार, तभी अच्छा कर पाओगे, पूरे दिन भर थ्रू आउट आप फोकस रह पाओगे, दिन की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप चेकलिस्ट बना लो, अब अगले दिन देखो क्या करोगे ना, सोने से पहले मैच करके देखो जो आपने प्लान किया है ना एक दिन पहले वो अगले दिन आप फॉलो कर पाए हो कि नहीं, तो आपको ना जब डिफरेंस दिखेगा ना अपने परफॉर्मेंस और प्लानिंग में, तब आप अच्छे से वो मतलब अपने परफॉर्मेंस को गेज कर पाओगे, देख पाओगे कितने एफिशिएंट हो, यहीं पे एफिशिएंसी की बात आती है, कितना कवर कर पाए हो, ठीक है। तो ये हो गया गाइस, आई नो वीडियो लंबी हो सकती है, पर क्योंकि देखो यार मैं छोटी वीडियो नहीं बनाना चाहता था, डिटेल में ऐसे मतलब छोटा सा वीडियो बना के क्या फ़ायदा होगा यार, डिटेल में बनाओ तभी लोग मतलब कुछ आपके लाइफ में वैल्यू ऐड होगी ना, जल्दी जल्दी भगा के कुछ कर दूँ तो कोई मतलब नहीं होगा, ठीक। तो वीडियो लंबी हो सकती है, कोई बात नहीं, पूरा देख लें तो ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें तो पूरा देख लेना जरूर, ठीक है। तो आपको अपनी रियलिटी पता चल गई, आपने जो प्रोग्राम किया और कितना परफॉर्म किया उसका आपको ना कंपैरिजन मिल जाएगा, डिफरेंस दिखेगा, कितना बोला भाई, कितना सोचा करने से कि अगले दिन भाई इतना फोड़ के पढ़ेंगे, पर देखा कितना पढ़ पा रहे हो, तो ये पता चलेगा, तभी तो आपको एक मोटिव मिलेगा ना ज़्यादा पढ़ने का या फिर और एफिशिएंटली पढ़ने का, तो मोटिव आपके लिए ऐसे क्रिएट होगा। नेक्स्ट चीज़ गाइज, मेरा एक सिंपल सा स्कीम है आपके लिए, वो फ्लेक्सिबल स्कीम है कि 6 आवर्स ऑफ स्लीप, 18 घंटे बचे हैं, मशीन की तरह काम करो बाकी 18 घंटे, पर मशीन को भी ब्रेक की ज़रूरत होती है, तो आप ह्यूमन एक बायोलॉजिकल मशीन हो, राइट, तो आपको भी ब्रेक की ज़रूरत है, 3 घंटे ब्रेक लो, पर बाकी 15 घंटे तो आप पढ़ सकते हो ना, आपके पास कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं बचा, फिर देखो अब क्या एक्सक्यूज दोगे, बोलो 6 घंटे तो सो लिए, 3 घंटे ब्रेक भी ले लिए, ठीक, फिर 15 घंटे पढ़ लो। अब ब्रेक पे पहले बात करते हैं यार, 3 घंटे का ब्रेक आपको क्या करना है, देखो स्मार्टली जो बंदे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना उनको मैं एड्रेस करते हुए बोल रहा हूँ, देखो जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है ना, आपको टीवी सीरीज देख रहे हैं या फिर टीवी देखना हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज़ करना है ना, उस ब्रेक में यूज़ करो यार। मैं खुद आप कह सकते हो मैं डिस्ट्रैक्टेड रहता था अपने प्रिपरेशन के समय, मैं इंस्टाग्राम फेसबुक आप मेरे देखोगे ना उस समय 2017 से पहले भी मेरे पोस्ट रहे हैं, नीट से कुछ दिन पहले के भी पोस्ट है मेरे पास, KVPY के रिजल्ट का, लोगों से बात करने का, मैं कुछ गेम्स भी खेलता रहता था, ठीक। तो मैं क्या करता था वो ब्रेक में करता था, ऐसे नहीं कि उसके वजह डिस्ट्रैक्ट होता था, ये स्मार्टली मैंने अपने डिस्ट्रैक्शन को मैनेज कर लिया और उसको ना अपना सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट या ब्रेक बना दिया, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब कई लोग योगा कर सकते हैं, मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो, कि आप ब्रेक कैसे ले रहे, मतलब ब्रेक को इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, उसमें काफ़ी ऑप्शंस मैं आपको मेंशन कर दूंगा, ठीक है, तो कोई भी बंदा जो देख रहा है ना उसको यूज़ कर पाएगा। तो चलो अब आप आ जाओ पढ़ाई के बारे में बात करते हैं 15 घंटे में, तो देखो सब कुछ मायने रखता है यार, आपका सोना, उसके बाद आपका, क्योंकि दिन में आपको लॉन्ग लॉन्ग आवर स्टडी करनी, तो स्टडी नहीं आती है सिर्फ, ठीक है, आपका स्लीप भी आता है, आपका ब्रेक भी आता है। अब आते हैं पढ़ाई पे, यहाँ पे मैं बोलूँगा गाइस, वी विल यूज़ शुगर केन जूसिंग मेथड जो होता है ना, मतलब मैंने खुद से ये नाम बना दिया, या गन्ना मेथड कह लो, जो भी कह लो, पर देखो करना क्या है ना, आपको दिन भर में सबसे जो टफ टॉपिक होता है ना सबसे पहले उठाना था, अगर आपके लिए फिजिक्स है, आप किसी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी जो टफ टॉपिक ना सबसे पहले उसको पिकअप करो दिन में, ठीक है। 3 घंटे के सेट में पढ़ो, क्योंकि 3 घंटे का आप नीट का पेपर दे रहे हो, ठीक, तो 3 घंटे में सेट में क्या करना, सबसे पहले फिजिक्स उठाओ, उसके बाद ना केमिस्ट्री उठा लो, रात को जाके बायोलॉजी उठाओ, अगर तीनों सब्जेक्ट एक दिन पढ़ रहे हो तो, अगर सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहे हो मान लो एक दिन कोई एक सब्जेक्ट, तो उसमें भी सबसे टफ जो है ना, जो सबसे ज़्यादा मेंटली टैक्सिंग होता है, एग्जॉस्टिंग होता है, सुबह करो, सुबह माइंड फ्रेश है, रिसेप्टिव है, एक्सेप्ट करना चाह रहा है यार, वो भूखा है इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वो ईजिली एक्सेप्ट कर लेगा। रात को क्या है ना यार, कुछ रिवाइज करो बेस्ट रहेगा, तो ऐसे ना आप क्या करो, ये गन्ना मेथड वर्क करेगा, ऐसे होता है ना, गन्ना एक साइड से डाले, दूसरे साइड से निकाले, फिर वही गन्ना डाले, तो अपने ब्रेन को पीसते जा रहे हो बार 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 बार, और पूरा उसका जो जूस है ना वो बता रहा है क्वालिटी ऑफ स्टडी, तो पहले से सबसे ज़्यादा जूस निकलेगा ना, वो क्वालिटी ऑफ स्टडी आपकी सबसे ज़्यादा है, तो उसको कहाँ यूज़ करोगे, अपने वीक टॉपिक्स पर यूज़ कर सकते हो, जो आपको टफ लग रहा है बायो में लर्न करने के लिए, वो एग्जाम्पल ढेर सारे हैं, वैल्यूज़ ढेर सारे की, मतलब नो डेटा ढेर सारे, जैसे इकोलॉजी हो गया, फिजिक्स में बड़े टॉपिक्स उठा सकते हो, अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो, तीनों सब्जेक्ट एक दिन अगर प्लान किया पढ़ने का, तो फिजिक्स पढ़ लो पहले, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, तो ये आपको प्लान करना है 3 आर के सेट में, आपके देखा जाए तो 5 सेट बन सकते हैं, और आधे आधे घंटे का ब्रेक ले लो, आधे घंटे के ब्रेक में भाई आपको जो करना है करो भाई, चैट करना है किसी से, यूट्यूब यूज़ करना है कर लो यार, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, देखो यार ये सब करने के लिए ना अंदर से एक इच्छा होनी चाहिए, ये साफ बात है, मैं जितना भी भाषण दे दूँ किसी को घंटा फर्क पड़ेगा, पर मैं बता रहा जो बंदे सीरियस है ना
हाँ अंदर से आनी चाहिए भाई आवाज़ कि भाई मेरे को करना है, 30 दिन बचे हैं, अभी तक मैं यहाँ तक आया हूँ, एंड तक मेरे को खींचना ही खींचना है और मैं करके दिखाऊंगा, भाड़ में जाए दुनिया, मेरे को करके दिखाना है, अपने आप को प्रूफ करना। तो उस तो आपको ना मोटिवेशन और डिसिप्लिन की ज़रूरत है इसके साथ, ये 15 घंटे पढ़ाई करने के लिए। स्टार्टिंग में तो कर लोगे ये वीडियो देखने के बाद, पर 30 दिन कर पाओगे कि नहीं मैं गारंटी नहीं ले सकता, जब तक आप खुद की गारंटी नहीं ले सकते कि आप ये करने वाले। तो माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में आप ना 30 मिनट में आप क्या कर सकते हो, मोटिवेशन वीडियो देख सकते हो, किसी टॉपर का इंटरव्यू देख सकते हो, या फिर कुछ अच्छे आंसर्स रीड कर सकते हो कोरा पे, मेरे आंसर्स रीड करो आपको अच्छा लगेगा शायद, तो ये सब कर सकते हो। और भाई मैं ये कहूँगा जिनका प्लान ऑलरेडी सेट है, मेरे प्लान मत फॉलो करो, मैं कोई कंपेल नहीं कर रहा आपको। जो लोग कहते हैं ना इनकी बातें मत सुनो यार, भाई फ्री के एडवाइस है ले लो, आपकी मर्ज़ी, नहीं करना तो मत फॉलो करो यार, अनसब्सक्राइब कर दो, तेरी मर्ज़ी यार। पर जिनको यार ज़रूरत है उनको तो हेल्प लेने दो, उनको क्यों नेगेटिविटी दे रहे हो। और भाई मैंने पहले भी बोला नेगेटिविटी को रिस्पॉन्ड मत करना, सब कुछ क्लियर ट्रांसपेरेंट है इस वीडियो में, राइट। आपकी मर्ज़ी, आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो, ठीक। पर जो कर रहे हैं मैं बता दे रहा हूँ, उनमें इंप्रूवमेंट दिख रही है, मेरे को रोज़ मैसेजेस आ रहे हैं 10-15, मैं रोज़ का रोज़ करीब 100 मैसेजेस अगर आते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं कोशिश कर रहा हूँ 2-3 दिन में सबको रिप्लाई कर दो, तो क्वेरी है इंस्टाग्राम पर पूछ लो। एंड गाइस मैं ये बोलूँगा जो 15 घंटे आपने पढ़ाई करने है ना, हाँ उसमें 3 घंटे में आपको क्या करना है, आप मॉक टेस्ट भी ले सकते हो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको एक ऐप का नाम बता रहा हूँ, ठीक है, मैं रिकमेंड कर रहे हैं, एक हेलो बच्चों नाम से एक ऐप है, फिजिक्स की ऐप है, उसमें आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, 15 फ्री मॉक टेस्ट हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हो। 3 घंटे का ही यार आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो 3 घंटे में मॉक टेस्ट अपीयर कर लो, आपको उसमें कंप्लीट एनालिसिस मिलेगी यार, कितने क्वेश्चन सही किए हैं गलत किए हैं, और टॉपिक वाइज एनालिसिस मिल जाएगी। एक पूरा फिजिक्स का अगर पेपर मतलब पूरा नीट अटेम्प्ट कर रहे हो ना, एक नीट का कोई मॉक टेस्ट, तो पता चल जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कितनी गलतियाँ हैं, तो अच्छे से आप गेज कर पाओगे अपने परफॉर्मेंस को थ्रू आउट द डे, प्लान कर पाओगे यार हाँ ये टॉपिक गलत हुआ है मेरा तो उसके बारे में मैं पढ़ लेता हूँ। पर एक और फीचर उस ऐप में एक और है कि आप ना उसमें फिजिक्स से जो डर रहे हैं ना उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उस ऐप में फ्री क्रैश कोर्स है भाई, फ्री क्रैश कोर्स, ठीक है, वन शॉट रिविजन के नाम से ऐप पे भी है और उनके यूट्यूब लिंक पे भी है, रोहित अग्रवाल के नाम से YouTube है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, आपका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, YouTube पे आप सर्च कर सकते हो उस ऐप को, ठीक है, हेलो बच्चों के नाम से ये फोटो आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है, वो आप जाके चेकआउट करो ऐप में, वो उधर क्रैश कोर्स है वन शॉट रिविजन के नाम से, आपको ना एक ही वीडियो में सब कवर हो जाएगा, आप एक टॉपिक का वन शॉट रिविजन होगा, इसका मतलब एक ही वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो भी कवर हो जाएंगे, जितने जितना रेलेवेंट थ्योरी है ना लास्ट 30 दिन में आपको मालूम होना चाहिए नीट रिजल्ट क्रैक करने के लिए, वो भी आपको पता चल जाएगा। गाइस देखो हर आपका एक अनपेड प्लान होता है, फ्री प्लान होता है, पेड प्लान होता है, अगर पेड प्लान पे यार आपको उसमें कोई डिस्काउंट चाहिए आप देख लो, ढेर सारे पेड प्लान हैं उनके, ठीक है, डू एंड डाई फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, आपका वो ईयर लॉन्ग आपको चाहिए कोई बंदा, ईयर लॉन्ग सपोर्ट चाहिए उस ऐप से, तो ईयर लॉन्ग फिजिक्स कोर्स है उनका 11th और 12th के लिए, पेन ड्राइव कोर्सेज अगर आपको क्वेश्चन घर पे सॉल्व करना है तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनका वीडियो सॉल्यूशन भी है उस पे, तो आप ना आर्यन राज मैं प्रोमो कोड मेंशन करते हो आप यूज़ कर सकते हो, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइस दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे गाइस, प्लीज़ फॉलो कर लो, एंड में गिव अप मत करो, 15 मिनट होने वाले वीडियो को, तो इसलिए चलो जल्दी से कट करते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइज, कीप हसलिंग, कीप रॉकिंग एंड डोंट गिव अप, राइट, जस्ट डोंट गिव अप, ऑल द बेस्ट गाइज।